ये बताया था कि इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फॉर्मूला है वो आना चाहिए, और उससे रिलेटेड मैंने कल फॉर्मूला भी कुछ लिखाया था और कहा था उसको याद कीजिए, उसी से रिलेटेड जो है ना क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, उस फॉर्मूला से रिलेटेड है जिसको मैं लिख करके बता रहा हूं। मैंने क्या लिखा था, जहां पर लिखा था कि अगर प्राइम पर लिखा हुआ है साइन ए इनटू कॉस बी प्लस कॉस ए इनटू साइन बी लिखा है, तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, और अगर कहीं पर सेम चीज लिखा हो बस यहाँ माइनस होता है, यानी यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस बी लिखा हो माइनस का कॉस ए इंटू साइन बी लिखा हो तो यहाँ पर साइन ए माइनस बी हो जाएगा, और इन दोनों को जब मैं ऐड किया था तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन गया था वो आया था, इसको ऐड किया गया है तो यह आ गया है एडिंग करने पर बाई एडिंग, तो ये सेम टर्म है तो टू टाइम्स साइन ए इनटू कॉस बी आएगा, और इधर क्या जाएगा यहां से लिख लेंगे हम साइन ए प्लस बी और प्लस करके फिर से साइन ए माइनस बी लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास टू साइन ए टू कॉस बी का फॉर्मूला आ रहा है, और अगर हम लोग इसमें केवल साइन ए लिखना चाहें तो साइन ए टू कॉस बी तो टू से इधर होल टर्म बन जाएगा और डिवाइड हो जाएगा वन अपॉन टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो हमारा जो एक्सरसाइज करेंगे पॉइंट थ्री का जो क्वेश्चन नंबर टू है एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी प्रॉब्लम, हम लोग एनसीईआरटी वाली बुक से पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन चैप्टर का नाम है, चैप्टर है कौन सा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू हमारा है साइन 3x इनटू कॉस 4x। ठीक है, यानी ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन इनटू कॉस बी, ए की जगह इसमें 3x दिया है और बी के जगह क्या दिया है 4x दिया है, तो इसमें मैं यही फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, इस फॉर्मूला को यूज करके और तब इस क्वेश्चन को आगे सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ फॉर्मूले को लिख लिया साइन ए प्लस बी, ए का मतलब हो गया 3x, बी का मतलब हो गया 4x, माइनस नहीं माइनस नहीं है प्लस प्लस साइन ए माइनस बी यानी 3x माइनस 4x, और होल को हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाइड बाई वन बाई टू कर देंगे, वन बाई टू साइन 3x प्लस 4x कितना होता है 3 और 4 होता है 7, तो 7x, यहाँ पे प्लस आएगा साइन 3x माइनस 4x तो माइनस 7 आ जाएगा, और साइन के साथ हम लोग पढ़ेंगे इस फॉर्मूला को अपना यूज कर लेंगे। साइन के साथ हम लोग ये पढ़ेंगे फॉर्मूला कि अगर साइन के साथ माइनस का थीटा लिखा तो ये माइनस का साइन थीटा लिखा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इक्वल टू करके वन अपॉन टू, और ये हो जाएगा साइन 7x माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला मैंने इसके बदले लिख दिया मैंने साइन 3x इंटू कॉस 4x, इसके बदले मैंने यहाँ पर इतना लिख दिया। ठीक है, ये इस तरह से हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि अभी हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का इंटीग्रेशन नहीं सीखे। ठीक है, दो टर्म्स का अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है तो उसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं, इसके आगे आपको क्या किया जाएगा,
इसके आगे हम लोग इसमें इंटीग्रेशन का साइन लगाना, मतलब इंजेक्ट करना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इनटू साइन कॉस 4x और dx, इसको इंटीग्रेट करना है। इस टर्म के बदले यहाँ पर सिंप्लीफाई कर चुके हैं, इसलिए जब मैं बताया प्रोडक्ट वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, इसलिए ये सब काम किया जा रहा है, इस तरह से इसको हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग पढ़ लेंगे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, यानी अगर दो टर्म है और उसका प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है उसको अगर पढ़ लेते हैं तो हमको इतना सब करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अभी मैं इसको इस फॉर्मूला से, तो इसके बाद 1/2 तो 1/2 यहाँ पे कर लिया और इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेटेड बाय ये हो जाएगा साइन 7x और माइनस का साइन x और dx हो जाएगा। यहाँ पे टर्म्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, कैसे किया जाएगा, 1/2 होगा और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, साइन x का इंटीग्रेशन अब सेपरेट करके भी लिखा जाएगा, इस सेक्शन में एक ही साथ लिख देता हूँ, साइन 7x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये आता है माइनस का cos 7x एंड डिवाइडेड बाय जो भी x के साथ एक्स्ट्रा टर्म होता है उससे डिवाइड, माइनस साइन x का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे माइनस का cos x होता है और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, यहां पर जाएगा 1/2, ये माइनस में माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं cos x प्लस का और ये माइनस का cos 7x और डिवाइडेड बाय 7 और प्लस इंटीग्रेशन कुछ नहीं। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में कुछ बता सकते हैं, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहे जैसा कि बुक में आंसर दिया हुआ है, तो इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया है और इसको 1/2 cos x लिख दिया है और 2 से 7 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1/14 और ये cos 7x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये बुक का आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर था 2 एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन ऐसे होगा क्या के देखा, इसके लिए भी हम लोग मंगा भी लगा है। एक सेकंड मैं इसको स्टॉप थोड़ी देर के लिए करूंगा। ये जो पूरा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.3 जो चल रहा है वो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड फॉर्मूले पर ही है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूला है कुछ तो मैं अभी बता दिया, साइन से रिलेटेड साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताया, साइन ए माइनस बी का, फिर उसको एक बार ऐड किया एक बार सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए का फॉर्मूला आया, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला आया। ठीक है, अब जो है ना जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है उसमें कॉस के ही तीनों टर्म दिया है, दो टर्म भी दिया होता तो भी हम लोग क्या करते, कॉस का फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो इसको देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला हमको कौन सा डालना पड़ेगा, उस क्वेश्चन को हम फॉर्मूला दे देते हैं। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, ये एक्सरसाइज है हमारे कौन सा एक्सरसाइज है 7.3 एमसीएम। तो यहाँ पर दिया हुआ है cos 2x cos 4x और cos 6x दिया हुआ। ठीक है, दो टर्म का cos था तो भी हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तीन टर्म का होता
तो हम एक एक करके फॉर्मूला जानेंगे। अगर हम कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा तो ये फॉर्मूला क्या होता है, पहला टर्म और दूसरा टर्म दोनों ही हमारे क्या होते हैं, कॉस के होते हैं। कॉस ऑफ ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी होता है। यहाँ जो माइनस का होता है, साइन वाले फॉर्मूले में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर साइन ए प्लस बी दिया हुआ है, साइन ए प्लस बी दिया है, तो वहां पर जो साइन का फॉर्मूला होता था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही डिफरेंट। यहाँ पे डिफरेंट क्या है कि इस जगह अगर कॉस का लिखा मतलब माइनस का साइन लगा तो यहाँ पे प्लस होता है। एक तो दोनों कॉस मिलेगा कॉस ए इंटू कॉस बी, और फिर यहाँ पर जो दोनों एंगल होगा उनके साथ साइन आएगा यानी साइन ए इंटू साइन बी आएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, दोनों ही कॉस दोनों ही साइन आते हैं, साथ में माइनस होता है यहाँ प्लस होता है। इसी तरीके से अगर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा तो ये आता है कॉस ए इंटू क्या आता है कॉस बी और माइनस, जब प्लस होता है इसमें माइनस आ जाता है, यही डिफरेंस है साइन और कॉस वाले फॉर्मूले में। फिर क्या फॉर्मूला लिखेंगे, इन दोनों को अगर हम ऐड करें, क्या करें ऐड करें, ये बाय एडिंग इनको ऐड करेंगे तो क्या फायदा होगा, इनको ऐड करने से ये प्लस है ये माइनस, सेम टर्म दिख रहा है साइन का डिफरेंस कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर कॉस ए है कॉस बी है, ये भी कॉस ए है कॉस बी है, अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टू टाइम्स कॉस ए इंटू कॉस बी आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा कॉस ए माइनस बी और इसको प्लस किया है तो प्लस कॉस ए प्लस बी, यानी कॉस ए कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी टू कॉस ए इंटू कॉस बी का मतलब। अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट है इक्वेशन सेकंड है, अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता ना तो ये प्लस है और ये माइनस वाला साइन भी क्या होता प्लस हो जाता, तो यहाँ पर टू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला बनता है, क्योंकि साइन ए इंटू साइन बी यहाँ भी है और साइन ए इंटू साइन बी यहाँ पर, दोनों को प्लस करते तो टू साइन ए इंटू साइन बी बनता, जबकि ये साइन चेंज होता तो माइनस करेगा और ये हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े कि अगर cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी लिखा है तो ये 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला बनेगा, और अगर हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, जब से यही पे लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे ये माइनस ये प्लस, तो उस केस में ये टर्म कैंसिल होगा और ये यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग करने पर सब्ट्रैक्ट करने पर ये आ जाएगा ये cos a माइनस बी, फिर यहाँ पर माइनस का हो जाएगा ये माइनस साइन आ गया सब्ट्रैक्ट करने पे a प्लस बी और इक्वल, अब यहाँ पर ये प्लस ये माइनस का कट गया और इसमें जो है ये वाला कितना जाएगा ये प्लस का दोनों को ऐड करेंगे तो टू टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला है। तो आप लोग इस चीज को याद रखेंगे कि अगर दोनों कॉस का फॉर्मूला है टू कॉस ए इंटू कॉस बी तो यहाँ पर कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी होता है, अगर दोनों साइन का टर्म है तो वहां पर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। इसमें 2 का तो तक क्लियर है तो हम 2 से कोई भी सेकंड 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं,
और इसमें से कोई भी दो टर्म ले सकते हैं, हम cos 2x और 4x भी टर्म ले सकते हैं, या cos 4x और cos 6x को ले सकते हैं, या cos 2x को cos 6x के साथ पेयर बना सकते हैं। तो हम इसको कोई भी ले लें, यानी इसमें हम 2 से होल इक्वेशन में होल टर्म्स में 2 से डिवाइड कर दे रहा हूं और 2 से यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 cos x और ये cos 4x और इसको cos 6x को बाद में रख देता हूं, इसको मैं सेपरेट कर देता हूं। यहां पे 2 cos a into cos b का फार्मूला बन गया। मैं चाहूं तो थोड़ा 4x को पहले ही लेता, वैसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, थोड़ा साइन का चेंज जाएगा तो वो लोगों को पता है cos के साथ। चलिए ऐसा ही लेते हैं, क्या आएगा फार्मूला, यहां तो 1/2 हो गया, इसका फार्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, ये अगर 2 cos a into cos b होता है तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ये cos a minus b और plus cos a plus b का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये इसका जो है फॉर्मूला होता है, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। यहां पे क्या आया हमें, ये cos a के जगह इसमें कितना है 2x, b के जगह क्या है 4x, तो cos a minus b, तो a के जगह क्या लिख लेंगे 2x minus 4x लिख लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ क्या है प्लस, प्लस लगा देंगे cos a plus b, a है 2x और b कितना है 4x और 4 multiplied by cos 6x, ठीक है। जहां तक मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, बस ये थोड़ा समय फास्ट पढ़ाता हूँ, जल्दी जल्दी ये दिक्कत थोड़ी होगी। अब यहाँ आगे पढ़ लेते हैं, 1/2 cos 2x minus 4x, तो cos आ जाएगा minus का 2x plus cos 2x plus 4x, ये हो जाएगा cos 6x हो जाएगा, ठीक है, और 4 मल्टीप्लाइड बाय cos 6x, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में चल रहा cos के साथ, ये हम लोग पढ़े हैं कि अगर cos के साथ अगर माइनस का थीटा लगा है ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos हो या sec हो दोनों प्लस का होता है, इसलिए यहां पे cos माइनस की करेगा ये प्लस का ही cos, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये माइनस 2x का साइन जो है हटा देना, और उसको बोलते हैं k1 cos θ, यानी आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा cos 2x प्लस ये हो जाएगा cos 6x और मल्टीप्लाई बाय cos 6x। अब इस 6x से इनके सभी टर्म्स में, इसमें भी और इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें किया जाएगा आ जाएगा cos 2x into cos 6x, 6x को पहले लिख लेता हूं और 2x को बाद में, फिर माइनस साइन हटाना पड़ेगा, प्लस cos 6x into cos 6x, तो cos स्क्वायर 6x और ये हो जाएगा, अब उधर कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। अभी भी इस टर्म को यहाँ पर हमारे पास तीन मल्टीप्लाई है cos 6x into cos 2x, अभी इसको भी हमें सिंपलीफाई करना पड़ेगा, फिर से इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर 1/2 into केवल इसके अंदर cos 6x into cos 2x, केवल मैंने इसके अंदर किया और प्लस का cos स्क्वायर 6x, ठीक है। इतना अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, बहुत फास्ट नहीं करा रहा हूँ, बहुत आसान है, धीरे अब ब्रैकेट जो है ना, ये बड़ा वाला जो ब्रैकेट है, बिगर ब्रैकेट, इसको मैं क्या करता हूँ, ऊपर कर देता हूँ, तो इसको ऊपर करूंगा
ये 1/3 में 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, याद आएगा 1/2, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये दिख ही रहा है थोड़ा बहुत, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है, ये इक्वल लगा के 1/4 लिख लिया। और ये जो 2 cos A into cos B है, तो cos A into cos B का फॉर्मूला अभी लिखा cos A - B, तो यहां पर आ जाएगा ये जो मिडिल ब्रैकेट का अंदर का हमारा भाग, इसकी जगह हम लिख लेंगे cos A - B यानी कि 6x माइनस कितना 2x cos A - B, ये क्या लिखना है प्लस cos A + B, यहां पर लिख लेंगे प्लस cos A + B यानी 6x + 2x, ये मिडिल ब्रैकेट क्लोज्ड। और 1/2 से ये cos² 6x से मल्टीप्लाई होगा यानी प्लस लगाएंगे प्लस 1/2 cos² 6x इक्वल 1/4 cos 6x - 2x, और 6x में से 2x को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा cos 4x आ जाएगा, ठीक है, प्लस cos 6x + 2x यानी cos 8x आ जाएगा, और प्लस हमारे पास नीचे का 1/2 cos² कितना 6x, ठीक है। अब लोग अभी भी इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, ये cos² 6x यानी जैसे हमने पढ़ा था कि ना तो sin² x का इंटीग्रेशन होता है और ना ही cos² x का, जब भी इस तरह का जब टर्म बन जाए तो हम लोग क्या करेंगे उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या तरीका होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है कि यहाँ पर cos² x का जो भी फॉर्मूला होता है उसके लिए कैसे लिखेंगे, cos 2θ cos² θ, और इससे हम cos² θ के वैल्यू निकालेंगे तो 1 + cos 2θ, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं और ये टर्म कितनी हो जाती डिवाइड हो गया, तो 1 + cos 2θ डिवाइड बाय ये हमारे पास क्या बन गया आता है ये cos² θ। सेम काम यहां भी करना, जो cos² 6x है ना, तो cos² 6x, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर cos² θ है, स्क्वायर के साथ अगर थीटा लगा है, तो इसमें जो फॉर्मूला बना है 1 + cos 2θ, यानी थीटा है तो 2θ, यानी जितना है इसका डबल, अगर यहाँ पर 3x होता 3θ होता तो यहाँ 6θ होता, डबल कर देंगे यहाँ 4θ होता तो 8θ, यहाँ अगर 6θ होता तो 6 × 2 कितना होता, 6 × 2 12 होता है, यहाँ पर 6x है तो 6x × 2x 6x × 2 करेंगे तो 12x हो जाएगा, 12x हो जाएगा, तो यहाँ पर एक स्टेप और लेकर के बस लास्ट इसमें दिखा दूंगा, ये 1/4 आ गया और cos 4x + cos 8x और इसके जगह पर प्लस का 1/2 लिख करके cos² 6x की जगह पर इसमें डिवाइडेड बाय 2 वाला ये यहां से आ गया और 1 + cos 2θ यानी 2 × 6x यानी डायरेक्ट में 12x, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, इस पूरे क्वेश्चन को पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से इसको सिंपलीफाई किया, तो सिंपलीफाई हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए ले लीजिए,
जब सिंप्लीफाई हो गया तब हम क्या करेंगे, अब हम इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन पूछा था तो उसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो उसको करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेट कर अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ हमारा क्वेश्चन ये है, चलिए ये इंटीग्रेट करना, उसको पहले उस तरह से सिंपलीफाई करके छोड़ते हैं, इंटीग्रेट करना कैसे आएगा फिर उसको देखता हूँ। इसका जो है इक्वल इस पूरे टर्म को जब मैं सॉल्व किया था तो यहाँ पर 1 माइनस 4 कर दिया, 1 माइनस 4 अगर दिखाई दे रहा होगा 1 माइनस 4 इस दो टर्म में कॉमन आए, यहाँ भी 1 माइनस 4 मिल रहा है तो मैं सोचता हूँ इसको भी कॉमन ही कर दूँ, होल से यानी होल से 1 माइनस 4 कॉमन आए और ये जो होगा इंटीग्रेशन यहाँ लगा cos 4x cos 4x cos 4x ठीक है और ये dx प्लस सेकेंड टर्म में cos 8x यानी यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x और यहाँ dx, ठीक है, 1 by 4 तो इससे भी बाहर आ चुका है तो यहाँ पर बचने का क्या 1 यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस cos 12x इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x एंड और होल के साथ ना 1 by 4 जो है वो कॉमन था इस केस को हम 1 by 4 लिखिए। अब करना क्या है, अब इसको करने के लिए हम लोग टर्म्स तो पूरा सेपरेट सेपरेट कर ही नहीं है तो अब मुझे नहीं लगता इसमें किसी तरह का किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, अब तो हम डायरेक्ट अब इसकी वैल्यू को रख लेंगे, ठीक है, तो इसको रखते हैं इंटीग्रेट करके 1 by 4 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x, cos 4x का इंटीग्रेशन दिस इज sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है यानी cos का यहाँ पर इंटीग्रेशन जो होगा वो sin x की जगह 4x है तो 4x और x के साथ जो एक्स्ट्रा टर्म होता है तो इंटीग्रेशन उस टर्म से डिवाइड होता है और यही चीज पर डिफरेंशिएशन होता है तो मल्टीप्लाई इसलिए 4 से डिवाइड प्लस cos 8x, cos 8x जो है cos 8x इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये sin 8x अपॉन यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है, और फिर 1x का होगा x प्लस cos 12x तो cos 12x का sin 12x और डिवाइडेड बाय 12 और प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट c इतना हो जाएगा। अब ये 1 by 4 जो कॉमन लिए है ना अगर इच्छा हो तो होल में क्या कर दिया जाए मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा x को हम पहले लिख लेते हैं 1 by 4 x को पहले लिख लिया फिर sin 4x को लिख लेता हूं sin 4x upon 4 उसके बाद यहां sin 8x है उसको लिख दिया डिवाइडेड बाय 8 और प्लस का sin 12x divided by 12 plus integration c 4 से ये जो common आप इसको अंदर multiply कर देंगे आपको ये common ऐसे मिल जाएगा जो भी इसको ऐसे भी ऐसे कर सकते हैं बुक में जो मुकाबला किया है बुक में तो ऐसे नहीं है जो आपकी बुक है आंसर ऐसे भी है
ये कार्टून थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ये एक्स हो गया, इसको इसमें ऐसे लिखा 1/4 sin 4x डिवाइड बाय 4 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसे को भी लेना है इसको 1/8 sin 8x लिखा और इसको 1/12 sin 12x लिखा और प्लस कार्टून इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आप खुद ही सोचिए, अगर मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ऐसे लिख देता तो आप लोग पूछते कि भाई ये कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, समझ में कुछ भी नहीं आता। इसलिए जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है, और उस फॉर्मूला को पहले देखिए, समझिए, याद भी कीजिए, और तब हम लोग उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 किया और क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन हो नहीं सकता है, इसलिए थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा है। टाइम देखता हूँ, अगर बचे तो अभी 9 मिनट्स है, तो 9 मिनट्स में हम लोग एक क्वेश्चन और भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा जो है ना डायरेक्ट जैसे कुछ क्वेश्चन जो आप लोग फॉर्मूला इंटीग्रेशन का पढ़े हैं, तो वैसा ये टर्म नहीं है, अगर वैसा नहीं किया है क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके थे, ये बता चुके थे, चलिए इसको पढ़ना शुरू किए थे, तो मैं बता चुका था कि इसमें क्या होता है कि जो हमारे टर्म्स होते हैं, ठीक है, इसमें जो टर्म्स होते हैं वो अगर स्क्वायर के हैं, क्यूब के हैं, पावर 4 के हैं, तो थोड़ा सा साइन कॉस इसमें दिक्कत होता है, ठीक है, साइन कॉस टैन इसके स्क्वायर में है, कोट स्क्वायर तो दिक्कत होता है। इसलिए क्या करेंगे, इस टर्म को हटा देते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन से। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टैन क्यूब लगा है और एंडिंग में है 2x प्लस 1 इनटू dx, ठीक है, क्यूब। हमको बताया कि भाई क्यूब का नहीं होता है इंटीग्रेशन, जब नहीं होता तो सही है, ये बताया इसको कैसे आता है, कैसे रिमूव करें। अब क्यूब किस में आता है, कौन से फॉर्मूला में, साइन 3a का अगर फॉर्मूला हम लोग पढ़े होंगे, साइन 3a का तो याद होगा, ये कितना होगा साइन 3a का फॉर्मूला, किसी को याद होता है साइन अगर हम लोग 4 साइन क्यूब ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ये टर्म जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, लास्ट
तो इसको इधर ले आए तो प्लस हो गया और ये थ्री साइन ए यही रहेगा, लेकिन ये जो इधर का साइन थ्री ए राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का साइन थ्री ए हो जाएगा। और इससे हम साइन क्यूब ए की जब वैल्यू निकालेंगे तो यह आएगा थ्री साइन ए माइनस साइन थ्री ए और होल डिवाइडेड बाई फोर। ठीक है, ये हमारे पास बस यही काम इसमें भी करना है। ए के जगह पर इसमें टू एक्स प्लस वन दिया है तो ए के जगह टू एक्स प्लस वन लिख लेंगे, बाकी इसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट अब यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, कि ये कहां से, ये तो इतना आ गया। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब टू एक्स प्लस वन डी एक्स इक्वल टू, इसमें फोर है तो हम इसको वन बाई फोर को बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ थ्री साइन ए यानी थ्री तो अपॉन साइन और फोर चूंकि इन दोनों टर्म्स में होता है तो यहां पर हम ब्रैकेट लगा देते हैं। यहां जाएगा थ्री साइन, यहां देखिए ए था तो ए यहां था, यहां थ्री ए था, यहां ए की जगह है टू एक्स प्लस वन तो ए की जगह हम लिख लेंगे टू एक्स प्लस वन माइनस, माइनस क्या है साइन थ्री ए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थ्री ए। तो जब इंटीग्रेशन अलग अलग लगा रहे हैं तो फिर यहां पे डीएक्स भी लगा देते हैं, स्टेप्स बचेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन थ्री एक्स यानी थ्री टाइम्स टू एक्स प्लस वन और यहां पे डीएक्स होल बाई फोर। ठीक है, वन बाई फोर ये रहेगा, वन बाई फोर ये रहेगा और इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसमें जो कॉन्स्टेंट टर्म रहता है ना वो बाहर आ जाएगा, इसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं। और साइन टू एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टू एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस टू एक्स प्लस वन और जो एक्स के साथ एक्स्ट्रा टर्म होता है उसे डिवाइड, यानी इसमें टू से डिवाइड हो गया। ठीक है, ये टू से इसमें डिवाइड हो गया, सेम चीज यहां भी माइनस, यहां पर क्या आएगा, यह आ जाएगा माइनस का कॉस जितना भी हमारे पास है थ्री टू जा सिक्स एक्स और ये प्लस का थ्री और डिवाइडेड बाई एक्स के साथ जो टर्म है उसे डिवाइड और होल मल्टीप्लाइड बाई है ये वन बाई फोर प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी चलेगा। ठीक है, उधर अगर नहीं दिखाई दे रहा तो उसको थोड़ा क्लियर कर लीजिए। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। अब ये कितना आ गया, वन बाई फोर आया, ये माइनस का थ्री बाई टू यहां लिख देता हूं, माइनस का थ्री बाई टू और कॉस आ जाएगा टू एक्स प्लस का वन। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ये आ जाएगा कॉस सिक्स एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई सिक्स और प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट यहां सी था उसका तो ये सी यहां भी चलेगा। अब वन बाई फोर से होल इक्वेशन में क्या कर दें, होल टर्म्स में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा थ्री में माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस वन से करेंगे तो माइनस का आएगा यानी माइनस थ्री बाई फोर टू जा एट कॉस टू एक्स प्लस वन, फिर वन बाई फोर से इसमें करेंगे प्लस छह चौके चौबीस ट्वेंटी फोर वन बाई ट्वेंटी फोर और इधर आ जाएगा कॉस कॉस सिक्स एक्स प्लस थ्री और प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन देख लिया, फोर क्वेश्चंस बता दिए। अब इसके बाद के जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स सेवन इसका सोल्यूशन हम लोग कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेवन जो है सेवन से रिलेटेड हमने फॉर्मूला बताया था अभी टू साइन ए इंटू साइन बी का, जब फॉर्मूला लगाएंगे क्वेश्चन नंबर सेवन का हिंट में बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर सेवन में है साइन फोर एक्स इंटू साइन एट एक्स, इसमें टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा
टू साइन ए इंटू साइन बी का, और टू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मा हम लोगों ने पढ़ा कि ये कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है, तो वही फॉर्मूला इसमें यूज करना है और उस फॉर्मूला से क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 एंड ऑनवर्ड्स ये हम लोग कल की क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही।